नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार्यक्रम पे रोज में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको नेक्सॉन ईवी की ऑन रोड कीमत कितनी होगी यह बताएंगे, और वो भी वीडियो के शुरुआत में। आखिर में नहीं, गौर फरमाइए, ये कोई अंदरूनी खबर या कोई लीक नहीं है दोस्तों, ये गहरे विश्लेषण से लगाया हुआ एक अनुमान है जो हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। कीमत के बाद नेक्सॉन ईवी की पावर कितनी होगी, उसका टॉप स्पीड क्या होगा, 100 किलोमीटर प्रति ओवर की रफ्तार हासिल करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, उसकी रेंज कितनी होगी, इन सारे पहलुओं का विश्लेषण भी हम आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं पहले प्रतिस्पर्धियों की कीमत कितनी है। दोस्तों हाल ही में अपनी मार्केट में दो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, एक नेक्सॉन ईवी और थोड़ी सी तेज उससे ज्यादा रेंज वाली है हुंडई कोना, और दूसरी उससे काफी धीमी और कम रेंज वाली टाटा टिगोर ईवी। तो नेक्सॉन ईवी कोना जितनी महंगी भी नहीं हो सकती है दोस्तों, और टिगोर ईवी जितनी सस्ती भी नहीं हो सकती है, यह बात तो जाहिर है। आज कोना ईवी की कीमत है 27 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली, और टिगोर ईवी की 10 लाख रुपए। अब नेक्सॉन ईवी की कीमत 10 और 25 लाख के बीच होगी यह कोई भी बता सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी यह तो अब तक टाटा ने भी तय नहीं किया है दोस्तों। लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसके कारण नेक्सॉन ईवी की कीमत होने वाली है 15 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। अब ये कौन सा नया नियम है यह हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं फेम 2 की। इस साल मार्च महीने में भारत सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेज 2 यानी कि फेम 2 नियम लागू कर दिया। इस पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नहीं दोस्तों, सिर्फ उन गाड़ियों को जिनकी एक शोरूम कीमत 15 लाख रुपए से कम होगी। इस वजह से अगले 2-3 साल में कई सारे उत्पादक 15 लाख रुपए में जितनी अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी दे सकते हैं उतनी देने की कोशिश करेंगे, और उनमें से पहली गाड़ी होगी टाटा की नेक्सॉन ईवी दोस्तों। सब्सिडी मिला के इस गाड़ी की कीमत हो जाएगी 13.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, जिसमें से रोड टैक्स और जो इंश्योरेंस मिला के 15 लाख ऑन रोड पड़ेगी दोस्तों ये। लेकिन सिर्फ मिड मॉडल यानी कि XM मॉडल, टॉप एंड मॉडल यानी कि XZ प्लस और XZ प्लस LUX की कीमत 18 तक जाएगी दोस्तों। तो अब देखते हैं 15 लाख में यह गाड़ी कितने हॉर्स पावर और कितनी रेंज दे पाएगी। दोस्तों हमारे नए वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों अब बात करते हैं पिकअप की। टिगोर ईवी में सिर्फ 30 किलोवाट की मोटर है यानी कि 40 HP की, इस वजह से उसका पिकअप बहुत बाहियात है। नैनो का पिकअप और टॉप स्पीड भी उससे बेहतर है। महिंद्रा की KUV इलेक्ट्रिक में 40 किलोवाट की मोटर है यानी कि 55 HP की। नेक्सॉन ईवी की जो मोटर है वो 95 किलोवाट पावर देती है दोस्तों, यानी कि लगभग 130 HP, मतलब पेट्रोल वाली नेक्सॉन से 20 HP ज़्यादा। नेक्सॉन का टॉर्क भी 245 Nm का है दोस्तों, जो कोना से लगभग 150 Nm कम है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नेक्सॉन ईवी की पावर हुंडई की कोना इलेक्ट्रिक से सिर्फ 5 HP कम है दोस्तों। टाटा मोटर्स का ऐसा दावा है कि नेक्सॉन ईवी 10 सेकंड में 100 की रफ्तार हासिल कर पाएगी दोस्तों, जबकि कोना जो है वो 1 सेकंड कम लेती है नेक्सॉन से, जो उसकी कीमत के हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं है नेक्सॉन के लिए ये। लेकिन एक बात याद रखना ये कि इलेक्ट्रिक होने की वजह से समान पावर वाली पेट्रोल या डीजल गाड़ी से बिल्कुल अलग पिकअप देती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर शुरुआत से यानी कि 0 RPM से अपना पूरा का पूरा टॉर्क दे देती हैं दोस्तों। इससे आपको 70-80 की रफ्तार तक बिल्कुल लाजवाब एक्सीलरेशन मिलता है दोस्तों, और टाटा मोटर्स का दावा है कि नेक्सॉन ईवी केवल 4.5 सेकंड में 60 की रफ्तार हासिल करेगी। लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त आपको पिकअप की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है दोस्तों, क्योंकि तेज रफ्तार पर इलेक्ट्रिक मोटर का पिकअप थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी का जो टॉप स्पीड है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है दोस्तों। बात करते हैं रेंज की। टाटा मोटर्स ARAI से 300 किलोमीटर रेंज की पासिंग हासिल करने की जी जान से कोशिश कर रहा है। फिलहाल टाटा की टिगोर ईवी में 16 किलोवाट आवर की बैटरी है जो उसे ARAI प्रमाणित 142 किलोमीटर की रेंज देती है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक KUV में भी 16 किलोवाट आवर की बैटरी है जो उसे 120 किलोमीटर की रेंज देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक KUV की मोटर टिगोर ईवी से 35% ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह टिगोर के मुकाबले बैटरी से ज़्यादा पावर खींचती है दोस्तों। भारत में आई हुई कोना में 49 किलोवाट और की बैटरी है जो कि टिगोर ईवी और इलेक्ट्रिक KUV से 2.5 गुना पड़ी है। उसकी ARAI प्रमाणित रेंज है 450 किलोमीटर, लेकिन कोना की मोटर टिगोर और KUV से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वरना 30 किलोवाट और की बैटरी में वह 400 किलोमीटर की रेंज हासिल कर लेती। नेक्सॉन ईवी में 30 किलोवाट और की बैटरी दी हुई है दोस्तों, जिससे लगता है कि वह 300 किलोमीटर की रेंज आसानी से हासिल कर लेगी। जब बैटरी डाउन हो जाएगी तब आप उसको DC फास्ट चार्जर से 1 घंटे में
250 किलोमीटर रेंज चलाने जितना चार्ज कर सकते हो। अगर आप घर पे एसी चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो बैटरी को पूरा चार्ज करने के लिए 8 से 9 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों खर्चा कितना होगा आप देखते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी तेल जलाने वाली नेक्सॉन से सस्ती पड़ेगी या नहीं। समान फीचर्स वाली नेक्सॉन से यह गाड़ी लगभग 5 लाख रुपए महंगी मिलेगी। उसका मेंटेनेंस भी नेक्सॉन से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ऊपर से टाटा मोटर्स उसकी बैटरी पे पूरे 8 साल की वारंटी भी दे रहा है। इतनी वारंटी टाटा ने आज तक किसी पुर्जे पे नहीं दी है, और उसके बाद भी यह बैटरी आपके घर का UPS चलाने में काम आ सकती है दोस्तों, यह बात कभी मत भूलना। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। दोस्तों वाकई में यह गाड़ी आने वाले दौर की एक झलक है। कीमत के हिसाब से अभी भी पेट्रोल और डीजल मॉडल से थोड़ी महंगी है, लेकिन फीचर्स के मामले में साधारण नेक्सॉन से 2 कदम आगे है, क्योंकि नेक्सॉन ईवी में सनरूफ, लेदरेट, अपोलेस्ट्री और ऑटोमेटिक वाइपर्स, हेडलैम्प मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज इस कीमत में सेल्टोस डीजल ऑटोमेटिक जैसी परिपूर्ण गाड़ी मिल जाती है, जो लगभग हर एक पहलू में नेक्सॉन इलेक्ट्रिक से बढ़िया है दोस्तों। एक बार इस गाड़ी की कीमत 12 लाख तक नीचे आ जाए तो तेल चलाने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी कोई खैर नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाली वीडियो की एक झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो को जरूर लाभ उठाएं, और यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।